गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज जैसे कि कल हमने ब्लॉग में बताया था, कुछ हम डिलीवरी लेने वाले हैं और मोटा खर्चा हो चुका है, तो हम फाइनली जा रहे हैं गाड़ी लेने। और आपने थंबनेल से ऐसा समझ ही गए होंगे आप लोग। तो अभी हम जाएंगे नेक्स्ट के शोरूम में। मैं तैयार हो चुका हूँ, ये लड़की तैयार हो चुकी है और हाई हील्स पहन ली है इस लड़की ने। तो देखते हैं ये चल पाएगी ढंग से। और कल इसका पैर भी कट गया था और साथ में कैस्पर जा रहा है, इसको भी शर्ट लेते हैं कैस्पर की। और ये भाई साहब डब्बू रत्नानी भी आ चुके हैं भाई साहब हमारे, तो हमारे साथ मुकुल भी चलेगा। दो कैब कैंसिल करनी पड़ी मेरे को, उन्होंने कहा नहीं डॉग लेके नहीं जाएंगे। मैंने कहा छोटा पपी है, हगता भी नहीं है गाड़ी के अंदर। फिर अभी एक भैया है, वो कह रहे पोटी तो नहीं करेगा गाड़ी में, कुछ नहीं करेगा, अच्छा आदमी है। तो भैया उन्होंने कहा कि ठीक है, वो आ रहे हैं अभी। और ये भी खुश हो जाती है जब कोई कैब वाला ऐसे समझ लेता है चीज़ें, है ना। तो भैया टॉप मॉडल ऑटोमेटिक ले रहे हैं, बलेनो का चाहते हैं पूरा। सिनेमेटिक शॉक्स भी आएंगे, मुकुल लेगा भैया सिनेमेटिक, वो गिम्बल से बनाएंगे मतलब पूरा। अभी निकलते हैं, कैस्पर की शर्ट ले जल्दी लेंगे। हम निकल चुके हैं और ये अभी पेट पूजा कर रही है, एक ब्रेड का पीस उठा के लगी है, इसको भूख लग रही थी। और अभी मेन तो पर्पज है इसका दवाई देने का, आराम से रिलैक्स होकर बैठी है। मैं उससे बोल रही थी मैं बचूंगी। किससे कह रही थी? डॉक्टर से। हां डॉक्टर मैं कह रहा हूं मैडम ऐसी बात कर रहे हो, बिल्कुल बचोगे। अभी तो आपकी जीने की उम्र है सर। हां तो आपको गाड़ी चलानी भी तो है वो। हां ये इसको पहले चलानी है, शोरूम से इसे निकलवा दूं। बिल्कुल पहले मैनुअल तो सिखा दो। हैं ये डिवाइडर के उस तरफ पूरा सीमेंट सीखी है। सीखी क्या भैया कह रहे हैं आप? इसने थ्योरी सीखी है, प्रैक्टिकल नहीं सीखा गाड़ी चलाने का। नहीं भैया मैंने सीखी है। हाँ भैया थोड़े दिन रिलैक्स कर लेंगे, यही चला लेगी थोड़ी। तो नहीं ले जा लेके आ रहे हो, मेरे की क्यों लगा रहे हो भैया? तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं मारुति सुजुकी नेक्सा और देखते हैं गाड़ी कहाँ है। अभी यहाँ तो दिख नहीं रही मेरे को बाहर, इसके तो बाल उड़ गए सारे, तूफान सारे हैं। कुछ कहना चाहोगे आप? कुछ कहना चाहोगे? कुछ नहीं कहना चाहती। ये देखिए बत्तख मेरे गोदी में चल रहा है। कैस्पर तेरे को तो आज इसको कोई पहचाने का भी नहीं आज? हाँ लास्ट टाइम आया था ऐसे झबरू था और आज नहीं पहचाने का कोई भी इसको। चलो भैया अंदर चलते हैं। मुकुल कैमरा वैमरा सेट कर रहा है अभी गिम्बल पे यहाँ पर। और यहाँ पर कैस्पर अपने नंगे शरीर को ढक रहा है यहाँ पर, है शर्ट पहन रहा डेनिम वाली। और अभी कॉफ़ी आ चुकी है, कॉफ़ी बहुत बहुत टेस्टी होती है यहाँ की। और अपनी गाड़ी वहाँ पर लग चुकी है वहाँ पर, तो अभी जाते हैं एक्सेसरीज चेक करते हैं उसके ऊपर। आज रश कम है, आज वो है ना सैटरडे संडे नहीं है तो रश कम है मुकुल आज। अच्छा। अरे गुड बॉय बन गए तो। अभी देवेंद्र भी आ रहा रस्ते में ही है। और ये फूल हम ले जा सकते हैं क्या घर पे? नकली है क्या करोगे यार? ले चल अंकल, अंकी को मैं अंकल कह रहा हूँ। फॉर्मेलिटीज चल रही हैं यहाँ पे, साइन। ये लोन वाला है ना, अपना लोन जो कर रहा था। लोन? लोन। अच्छा लोन। बैंक में थोड़ी पैसे इतने। साइन मैच करने वाले इसको, इसके कभी सेम साइन नहीं आते कभी। मेरी फोटो ही मैच नहीं। और ये महंगे महंगे उससे ब्लॉग बना रहा है, मैं अपने फोन से बना रही हूँ। गाइस हम फाइनली तैयार है, हाथ मुंह धो के आई है अपने अच्छे से। और लाला साहब आ चुके हैं देवेंद्र, इनको मैंने भैया फोन करा, ये आदमी 10 बजे से इसी एरिया में है लेकिन आया आप भी लेट। हाँ अभी कुछ पेमेंट रह गई थी तो मैंने कहा भैया ये गिरवी रख लो, बाद में दे देंगे हम थोड़ी सी। और चलते हैं अब हम। और देख रहे हो पीछे पूरा प्रबंध करते रवि भाई ने, गिफ्ट ये नेक्सा वालों ने हमें चॉकलेट दिया और इसकी नजर मुझे इसी पे लग रही है ना, इस चॉकलेट पे नजर लग रही है मेरे को। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe? This is my game to play, to claim a brand new name, oh.
And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss. Gotta see, bed you. Casper attitude दिखा रहे ये ड्राइविंग सीट पे जाए, ये कैब में आया ना बैठ के, अभी चार को विंडो खुली नहीं मिली, इसमें सारे विंडो खोल के जाएगा। गाइस कैसी लग रही है एक बार कमेंट करके बताना। एक्सेसरीज तो मैं बाद में बताऊंगा क्या कुछ हमने लगवाई हैं, उसके लिए प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। बहुत सुंदर लग रही है भाई सच में। ये टॉप मॉडल है AGS, हर एक चीज़ लगा दी। अभी केक कटिंग करते हैं, ये नहीं उतरे अगर इस पे कैस पर स्क्रैच लगे। बैठो बेटा, बता रहा हूँ अंदर नहीं बैठाऊंगा गाड़ी में, फिर उतरेगा ही नहीं है। केक खाने के लिए सबसे पहले लाइन में लगी है लड़की। ये केक है, ये बुफे है, तो अभी शुरू कर रहे हैं। और देवेंद्र बिहाइंड द सीन चल रहा है, वो अलग रील बनाया जा रहा है अपना। अभी ये परंपरा चल रही है हमारी डिलीवरी की, चश्मे लगा के लड़का देख लो। शोरूम में ज्यादा धूप लग रही तेरे को है भाई साहब? स्टाइल है, स्टाइल। अच्छा ये भी ठीक है अंकी, कौन खाएगा इसको? ये कह रही है कैमरा ऑफ कर दे और खाऊंगी। मेरे भी मौका मिल गया। मुकुल को नहीं हिलाया अभी तक। मुकुल अभी तेरी बारी है। अच्छा मुकुल, अब मुकुल की टर्न आ चुकी है। अंकी मना कर रही थी, कह रही मैं खाऊंगी सारा केक। मुकुल मैं तो कह रहा हूँ आधा केक लेके भग जियो, उनके मुंह पे लगा दे इसके। लगा दे मुंह पे। गाइस जो भी गाड़ी से रिलेटेड क्वेरी थी हमारी, हर एक चीज डिलीवरी तक का रवि भाई ने संभाला यहाँ पर सेल्स टीम में। और मतलब कि इतना स्मूथ रहा है हमारा काम, मतलब कोई भी अपडेट होता था उनका फोन आता था और ये बिना बात के ऐसे ही चश्मे लगा के जो बीच में आते ना ये, तो रवि भाई इनका मैं नंबर भी मेंशन कर दूंगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती नेक्स्ट समय तो आप यहाँ पर आ सकते हैं MG रोड के पास। थैंक यू रवि भाई, थैंक यू। तो भाई सारी कागज कार्रवाई हो चुकी है और अब फाइनली टाइम है घर चलने का। तो वो तो पता नहीं कहाँ भाग गए हो। पहले स्टारबक्स जा रहे हैं ना, स्टारबक्स जा रहे हैं जहाँ पर हम बस फोटो खिंचवाएंगे, खाएंगे कुछ नहीं। बहुत अच्छे दोस्त हैं, गाड़ी भी दे देंगे, स्टारबक्स भी ले जा रहे हैं। फिर मैकडे में खाएंगे आलू टिक्के बर्गर विदाउट अनियन। आजकल प्याज के पैसे भी मैं कटवा ही लेता हूँ जुगाड़ लगा के। तो निकलते हैं यहाँ से और बाइक कमेंट करके बताना बाइक का कैसा लग रहा है आपको। तो भाई लोग हम चल पड़े हैं अपने घर, गाड़ी निकाली शोरूम से और अभी यहाँ ट्रैफिक में फंस चुके हैं। हम दोनों बैठे हैं आगे, बीच में हम टेस्ट ड्राइव लेते रहे गाड़ी की। अभी सबसे पहले पेट्रोल पंप भाई ये जाम निखड़े वैसे ही खड़े हैं यहाँ पे, इसे डर लग रहा है। नहीं नहीं जाम लगा हुआ भाई, जाम तो अब आगे लगा मेरे पीछे बैठी है। तो तेरे को भी चलानी होगी गाड़ी, कैस्पर को भी चलानी होगी। डाला इंटीरियर कैसा लगा गाड़ी का, इंटीरियर बताओ। जबरदस्त है, टच भी काफी अच्छा है इसका रिस्पॉन्स। और भैया बढ़िया लग रहा है, पन्नियाँ उतारेंगे कल सारी, इसकी सारी पन्नी उतार देंगे, कर देंगे अनबॉक्सिंग, स्क्रीन गार्ड लगवा देंगे इसके ऊपर। कई लोगों को ये अच्छा लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा स्विफ्ट वाला लगाया इसमें, क्योंकि पुराना वाला बहुत डल था, थोड़ा सा आउटडेटेड लगता था वो। और अपनी HUD भी लगा दी हमने, दिख रही होगी आपको ब्लिंक करते हुए इसमें थोड़ी सी। हम आए हैं पेट्रोल पंप पे और गाड़ी का टंकी सीधी फुली कराएंगे आज, और फिर देखते क्या एवरेज निकलती है। थोड़ी बहुत आइडिया भी पड़ जाएगा कि टंकी में एवरेज सिटी में कितनी चल जाती है। अभी चल रहा ये तू सामने कैसा है साला, पीछे सो रहा था, पीछे भी ऐसी है ना इसमें। और अब यहाँ से देवेंद्र चलाएगा, अब ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा। मेरे को काफ़ी फर्क लगा भाई, सबसे पहले तो सस्पेंशन में। अब तू बताइए लाला, कभी बारिश होती है भाई, कभी बारिश बंद हो जाती है। अब यहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं है, हम पहुँच चुके हैं सेक्टर 22 के पास और आसमान कितना सेक्सी आ रहा है। और लाला चला रहे हैं यहाँ पर, कैसा लग रहा है, मतलब स्मूथ फर्क है ना ऑटोमेटिक ना। कई लोग टाटा नेक्सॉन भी कह रहे थे, लेकिन उसका ऑटोमेटिक इतना खास नहीं है, अच्छी गाड़ी है वो चलने में उसका, उसमें बता रहे हैं कि लुक ज्यादा स्पोर्टी सी है इसकी ना, इसकी अच्छी आ रही लुक इसकी। गाइज मैं इनसे कह रही हूँ साफ रोड पे चलाओ, ऐसे देखना ऐसे पानी भरी रोड पे हमारी व्हाइट कार गंदी कर देगा ये। एक तो बैठे तो ना आगे, मैं अभी तक आगे बैठी हूँ, देखना किसी का मेरा बस चलता ना। मैं तो उसे क्या होती है वो बड़ी बड़ी लॉरी होती है, क्या होती है उसमें पैक करा के सीधा घर डिलीवर करा दी। मैं तो बिल्कुल वो या फिर उसमें बाहर पन्नियां चिपकवाती यार, ऐसे गंदी हो जाएगी यार। गाइस देवेंद्र को हमने ड्रॉप कर दिया ऑफिस पे और अभी ये बैठे हैं गाड़ी में मुकुल और अंकी और कैस्पर। मैं जा रहा हूँ ओम स्वीट्स और मिठाई लेते हैं, फिर पूजा करवाने चलेंगे पंडित जी के पास। भाई अभी बनारसी लड्डू पैक कराया मैंने 1 किलो, जैसे ये होते हैं ना ये लड्डू केसर, लेकिन दिखने में दोनों ही बिल्कुल सेम होते हैं। ये बनारसी लड्डू अभी पैक कराए, खत्म हो गए यहाँ पर।
बस तो अभी आकांक्षा को गाड़ी में छोड़े कैसे के साथ मैं और मुकुल आए हैं मैकडी और बर्गर खा रहे हैं। पेट भरे खाना लड़के, ऐसा मत कहते नहीं खाएगा भाई। झोला भर लिया है और मुकुल ने लिया कॉफ़ी। हमें मेरे को और अंकी को तो डॉक्टर ने मना किया है कॉफ़ी पीने से, कोल्ड ड्रिंक बोल्ट भाई कई दिन के लिए। तो आज मैं ट्राई करूँगा महाराजा बर्गर, पहली बार खा रहा हूँ। मुकुल ने कहा खा महाराजा मैक वेज, देखते हैं टेस्ट करके कैसा लगता है। और मैक वेज ही खा रही है ये। टीका दिखाइए अपना, पूरा तसल्ली से लगा है उसको। हाँ, मुकुल भी महाराजा खा रहा है। कैसे करो, ये रहा देखिए, रहा देखिए, रहा ये रहा देखिए, मेरे पास है, जल्दी आओ जल्दी आओ। ओए देख देख फंस गया। नहीं नहीं, कैबेज कैबेज खा रहा है। अरे वाह, गुड बॉय है। तो बेटा तो भाई गाड़ी हमने घर में खड़ी कर दी है और अभी कैस्पर को हम खिला रहे हैं प्रसाद। कैस्पर ले लड्डू खाओ थोड़ा सा, देखते हैं खा रहा है ले कैसी। अरे वाह, लड्डू खा लेता है। हाँ, केक मैंने इसके नाक पे लगा दिया था ना, तब खा लेता। और कोशिश करेंगे हम डेली ब्लॉग्स करने के लिए। बाकी जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुस्सा देखते रहिए।